हमारे किसी एक सब्सक्राइब कहना है कि मुझे अपनी साइट के अंदर इमेज गैलरी बनानी है जैसे कि ये बनी हुई है, तो ये मैं कैसे बना सकता हूँ, कौन सा फंक्शन फीचर यूज करूँ जिसके द्वारा मैं अपनी वेबसाइट ब्लॉग के अंदर इमेज गैलरी बना सकूँ। तो दोस्तों आपका भी प्रश्न ऐसा है, आप भी इमेज गैलरी बनाना चाहते हैं अपनी साइट के अंदर, तो आज हम आपको एक प्लगइन के द्वारा बताएंगे कैसे आप इमेज गैलरी बना सकते हैं। आप जितनी भी साइट के अंदर इमेज डालना चाहें वो डाल सकते हैं, है ना। तो कैसे बनाते हैं, क्या है तरीका, तो जानने के लिए सीखने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो इमेज गैलरी बनाने के लिए सबसे पहले हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाते हैं। एंड लॉगिन होने के बाद दोस्तों हम यहां पर प्लगइन की हेल्प लेंगे। प्लगइन का नाम है दोस्तों एलिमेंटर। तो यहां पर हम प्लगइन्स पर कर्सर ले जाएंगे, ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहां पर आपको एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है, प्लगइन का नाम है एलिमेंटर। तो ये प्लगइन हमने पहले से इंस्टॉल कर लिया है दोस्तों। आप इसका उपयोग फ्री एंड पेड दोनों वर्जन में कर सकते हैं। पेड करेंगे तो इसके और भी आपको एडवांस फंक्शन फीचर यूज करने के लिए मिलेंगे। अब कैसे हम इमेज गैलरी बनाते हैं इस प्लगइन के द्वारा, आइए चलिए सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पेजेस में जाएंगे, ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे पहले से एलिमेंटर पेज को बना लिया है। तो एलिमेंट से रिलेटेड हमने काफ़ी वीडियो बना दी है अपने चैनल पर, तो आप चैनल पर जाकर एलिमेंट से रिलेटेड काफ़ी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, और भी चीज़ें सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एलिमेंटर पेज को खोलते हैं, एडिट विद एलिमेंटर को, एंड किस एरिया में आपको इमेज गैलरी बनानी है तो आप सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम बना देते हैं इसके ऊपर ही, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉलम लेंगे इमेज अपलोड करने के लिए, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम एक कॉलम ले लेते हैं इमेज गैलरी बनाने के लिए, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद प्लस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक विजिट बेसिक गैलरी। आप यहाँ पर माउस का लेफ्ट बटन दबा कर इसे ड्रैग कर देंगे। बेसिक गैलरी विजिट इंसर्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इमेज को ऐड करना हुआ, जो भी आप इमेज ऐड करना चाहते हैं, जिनकी आप गैलरी बनाना चाहते हैं, ठीक है, इमेजेस की। तो हम प्लस पर क्लिक करेंगे, प्लस पर क्लिक करने के बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। तो आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप से जो भी इमेज अपलोड करना चाहें, जो भी आपके पास इमेजेस हैं ढेर सारी, उनकी आप इमेज गैलरी बनाना चाहते हैं, वो सारी इंसर्ट कर दीजिए, ठीक। तो हमारी इमेजेस पहले से मीडिया लाइब्रेरी के अंदर इंसर्ट है, ठीक है, तो हम इनकी इमेज गैलरी बनाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी आप साइट के अंदर इमेज गैलरी बनाएं तो सभी इमेजेस का साइज बिल्कुल एक सा होना चाहिए, ठीक है, छोटी बड़ी इमेज नहीं होना चाहिए, वरना इमेज गैलरी का लेआउट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कुछ थंबनेल है जो एक से 12x70 पिक्सल्स के हैं, तो उसी का हम इमेज गैलरी बनाएंगे। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको, इसको, है ना, ये सारी इमेजेस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सभी सिलेक्ट हो चुकी हैं, है ना, एंड यहाँ पर क्रिएट ए न्यू गैलरी पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कैप्शन दे सकते हैं अपनी इमेजेस का, जो भी आप देना चाहें, एंड यहाँ पर देने के बाद हम इंसर्ट गैलरी पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ये इमेजेस आने लगी। अब दोस्तों आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि यहाँ पर गैप है, है ना, तो इनको सही कैसे करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इमेज रेजोल्यूशन है थंबनेल वाला, है ना, तो हम यहाँ पर कर देते हैं मीडियम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये एक सा हो चुका है, ठीक है। एंड दोस्तों आपको कॉलम करना है, जैसे कि यहाँ पर 4 कॉलम वाले यहाँ पर इमेज गैलरी है, तो हम यहाँ 2 कॉलम वाले कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 2 कॉलम वाली बन चुकी, 2 कॉलम बड़ा हो जाता तो हम छोटा कर देते 3 कॉलम वाली इमेज गैलरी, ये देखिए, है ना, बिल्कुल सही है ये। अगर आपकी इमेज छोटी बड़ी होगी तो प्रॉब्लम आएगी, इमेज का लेआउट खराब होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक इमेज को इंसर्ट करता हूँ जो इसके साइज की नहीं है, ऐड टू गैलरी पर जाएंगे और यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड इंसर्ट गैलरी पर क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये लेआउट खराब हो गया। तो जो हमारी जो इमेज है इनका जो साइज है बिल्कुल एक सा है, 1200x720 पिक्सल्स का, है ना, जो यूट्यूब थंबनेल का होता है, ठीक है। तो हम इसको हटा देते हैं, ये खराब हो रहा है, लेआउट खराब कर रहा है ये हमारे इमेज गैलरी का। तो यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक करेंगे, फिर इंसर्ट गैलरी पर क्लिक कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर इमेज गैलरी हमारा ये बन चुकी। अब दोस्तों इसका डिज़ाइन थोड़ा हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पर लिंक वगैरह डालना है तो आप डाल सकते हैं, एंड यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं, रैंडम करना है तो रैंडम कर सकते हैं, तो मैं डिफॉल्ट रहने देता हूँ। स्टाइल पर जाएंगे तो यहाँ स्पेसिंग, तो ये थोड़ी चिपकी हुई है, मैं थोड़ा स्पेस कर देता हूँ। कस्टम पर क्लिक करूँगा तो थोड़ा मैं इसको दूर कर देता हूँ, एंड यहाँ पर अब कर देते हैं रेडियस। अगर आपको लगे कि यहाँ पर जो
इमेज गैलरी है बनाई है, इनकी इमेजेस को राउंड हो जाए तो वो हो सकती है, तो आप यहाँ पर रेडियस कर देंगे, इमेज राउंड हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर राउंड दिख रही होंगी आपको ना, ये राउंड हो चुकी है। अगर आपको बॉर्डर देना है इमेज पर तो आप बॉर्डर भी दे सकते हैं, ये देखिए है ना। तो मैं बॉर्डर नहीं दे रहा, नन कर देता हूँ, ठीक है ना। अब दोस्तों कैप्शन पर जाएंगे, तो आपने इमेज पर कैप्शन दिया है तो वहाँ पर आप उसकी सेटिंग कर सकते। तो मैं इमेज पर कैप्शन दिया ही नहीं है, है ना। कैप्शन यानी कि इमेज पर जो भी नेम डालना है वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो एडवांस पर जाएंगे तो आप मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं, आपको जितना मार्जिन करना है उतना कर सकते हैं, है ना। और अगर मोशन इफेक्ट देना है तो यहाँ से मोशन इफेक्ट भी दे सकते हैं, है ना, ये देखिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इमेज गैलरी बना दी। अब दोस्तों इसे हम अपडेट कर देते हैं एंड यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे साइट को, ये देखिए इमेज गैलरी ये आ गई है ना, ये देखिए। एक बार और रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए, है ना। अब इमेज पे क्लिक करेंगे, देखिए इमेज आ रही हैं, ये देखिए। एंड जूम करना, देखिए यहाँ से जूम भी हो जाएंगे, ये देखिए, ये देखिए, है ना, ये देखिए। एंड रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए, है ना, ये देखिए, है ना। तो आप एलिमेंटर प्लगइन के द्वारा इमेज गैलरी बना सकते हैं, उसकी एडिटिंग कर सकते हैं, जो भी आपको करना है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इमेज गैलरी को, है ना। तो बस आपको इस प्लगइन की हेल्प लेनी है एलिमेंटर की, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।